नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी का बजट रोजगार ही रोजगार, संकल्प पत्र के पूरे किए गए प्रमुख वादे, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे मुख्यमंत्री योगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तवियों को प्रोत्साहन राशि, यूपी के बजट में सेहत सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 18,769 करोड़ की धनराशि, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी पद पर 2,262 चयनित हुए अभ्यर्थी। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ, यूपी का बजट पास हुआ है। जरा एक नज़र यूपी के बजट पर देखिए दोस्तों, जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं, रोजगार पर क्या ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, कौन कौन से बजट आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, यूपी का बजट मैं बताने जा रहा हूँ, रोजगार कितना रोजगार ही रोजगार दिखाया जा रहा है। यह देखिए दोस्तों, अमर उजाला जॉब अलर्ट, जो अमर उजाला न्यूज है, जॉब अलर्ट वो सब भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अमर उजाला जो न्यूज है उसमें देखिए, योगी 2.0 का मेगा बजट, आकार के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा बजट, इसमें संकल्प पत्र के वादों को जमी पर उतारने के इरादे हैं तो प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा भी है, किसानों की उन्नति के रास्ते हैं तो विकास के साथ रोजगार को भी रफ्तार देने का संकल्प है, यूपी को नए रंग रूप में ढालने की कोशिश है तो सृजन का संकल्प और समग्र विकास पर जोर भी है। वादे जमी पर, संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश, उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, किसानों को आलू प्याज टमाटर दिलाएंगे बेहतर कीमत, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार, वर्ष 2025 के महाकुंभ के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। देख सकते हैं दोस्तों, 4 लाख लोग को रोजगार आईटी सेक्टर में देंगे, एमबीबीएस की सीटें 2 गुनी होंगी, बुजुर्ग और महिलाओं को जो है 2 गुनी सहायता दिए जाएंगे। इतना ज़्यादा जो है बजट में दिखाया गया है दोस्तों, यह देख सकते हैं, यह कल जो है पास हुआ है। रोजगार के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना भी रहेगी। इतना जो है, इससे पहले दोस्तों अभी तक जो है बजट नहीं पास हुआ था यूपी का। देख सकते हैं दोस्तों, युवाओं महिलाओं पर आस्था, महिलाओं और आस्था पर जोर दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ, युवाओं के लिए भी जो है कई योजनाओं पर दुगनी राशि खर्च करेंगे, सिंचाई से लेकर महिला का, युवा के लिए भी दोस्तों देखिए 1500 करोड़ में सशक्त जो है, जो भर्तियाँ वर्तियाँ हो रही हैं उन सभी के लिए भी जो दिया गया है, तो आप लोग बहुत डिटेल में इसको देख सकते हैं। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 1500 करोड़ रुपए, यहाँ देख सकते हैं। तो युवाओं को देखिए, यहाँ से देखिए रोजगार ही रोजगार दिए, 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार, 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, 5 वर्ष में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी मिली, प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% से घटकर 2 अप्रैल 2022 में 2.9% हुई, कौशल विकास मिशन 5 वर्षों में 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित कराया गया। तो दोस्तों, जो 5 साल का है वो दिखाया जा रहा है इसमें। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, अब तक कुल 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन जिलों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों के तहत 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य, माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन और 7,540 का सृजन, चिकित्सा शिक्षा में 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति और 10,000 नए पद का सृजन, यह भी देखिए दोस्तों लाइन पर है, अब जल्द ही यह सब क्लियर हो जाएगा। 54,876 ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में 56,436 पंचायत सहायकों का चयन। इसके बाद दोस्तों देखिए, 72 करोड़ रुपए से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए 15,500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि। बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, और पोषाहार से लेकर बच्चों तक के लिए व्यवस्था भी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। वादों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे योगी, संकल्प पत्र के किए गए प्रमुख वादे, राजकीय डिग्री कॉलेज में स्मार्ट क्लास स्थापना, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से दिया गया है और इसमें बहुत कुछ दिया गया है, दिव्यांगों के लिए पेंशन का भी दिया, एकलव्य क्रीड़ा भी दिया गया है और ये
जो संकल्प पत्र रहा इनका, उसमें से कुछ जो है वादे जो है अधूरे हैं, कुछ तो पूरे किए जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी जो है पूरे होते जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, सेहत उत्तर प्रदेश की सेहत सुधारने के लिए 18,769 करोड़ की धनराशि। आप देख सकते हैं यहाँ से 10,000 करोड़ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए और 100 करोड़ कैशलेस यानी NHM के लिए भी काफ़ी पैसा आया है। 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ रुपए, MBBS की सीटें दोगुनी होंगी, आयुष विश्वविद्यालय को दिए 113 करोड़। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़ी अपडेट है और जो कैशलेस इलाज होगा उसके लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। कितने ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, कितने ज़िले में भी जो है काम चालू है वह भी दिखाया गया है। सभी ज़िलों लगभग यूपी के 75 जिलों में जो है आपको मेडिकल कॉलेज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ है। 10,000 करोड़ तो अकेले स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए जो है दिया गया है। अब लगता है NHM की तरफ से जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं सभी क्लियर जल्द से जल्द हो जाएंगी। आज दोस्तों पेपर में केवल यूपी का बजट ही छाया, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री बोले प्रदेश को बनाएंगे देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था, बजट प्रदेश सरकार का दृष्टिपत्र है। यहाँ देख सकते हैं विधानसभा में बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कि 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लागू करने का प्रावधान किया है। संकल्प पत्र की 44 नई घोषणाओं सहित कुल 97 संकल्पों का पूरा करने के लिए बजट में 54,833 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। दोस्तों जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धीरे धीरे सभी वादे जो है पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश भर में अस्पतालों को मिलेंगे संसाधन, तैयार होंगे नए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ यानी स्टाफ नर्स वगैरह की भी भर्ती जो है होंगी, NM की भर्ती होंगी। अब देखिए फार्मासिस्ट की भर्ती का कोई जिक्र ही नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए 254 पदों के अंतिम चयन परिणाम, प्रवक्ता यांत्रिकीय अभियंत्रण और कर्मशाला अधीक्षक के परिणाम घोषित हो गए हैं। जो अभ्यर्थी यह परीक्षा दिए थे रिजल्ट देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी पद पर 2262 चयनित हुए हैं, गलत तरीका अपनाने पर 4 अभ्यर्थी टिवार हुए हैं, 21 जून तक सभी अभ्यर्थी देख सकेंगे अंक। और यहां से देख सकते हैं दोस्तों बीएड के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग जल्द होगी और प्रावधिक शिक्षा में 11 कंप्यूटर प्रवक्ता चयनित हुए हैं। बात कर लेते हैं अमर उजाला जॉब अलर्ट की, NIT जमशेदपुर में 67 पद आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती हैं 17 पद हैं, 17 पद के लिए जो है दोस्तों अब भर्ती आई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। WCDC बिहार इच्छुक अभ्यर्थी 213 पद के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती है दोस्तों। 7 जून ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, इस वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जितनी अपडेट बताया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बजट पर ज़्यादा दिया गया है ध्यान और रोज़गार पर जो है, और NHM की तरफ से जो बजट पास हुआ उसके लिए रोज़गार और गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकारी नौकरियों पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।